हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिजाइन के बेसिक ट्यूटोरियल में। इंडिजाइन का इंटरफेस जैसे खुलेगा, इसमें ये रिसेंट फाइल जो होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो आप पहले खोल जाएगा वो खोल सकते हैं। इसके बाद ये क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप कोई भी खोल सकते हैं, बुक, लाइब्रेरी, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन आप यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, नया खुल जाएगा, फिर ये न्यू विंडो खुलेगा। यहाँ से आप प्रीसेट सेट कर सकते हैं पहले, जैसे यहाँ पे अगर कोई प्रीसेट आप पहले से बना रखे हैं वो खोल सकते हैं, या आपको प्रिंट के लिए, वेब के लिए, डिजिटल के लिए ऐसी फाइल चाहिए वहाँ से ये सेट कर सकते हैं। ये पेज नंबर है, यहाँ से पेज नंबर जितना पेज चाहिए, ये बेसिक में चाहिए, कैसे चाहिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। स्टार्ट कितने नंबर से करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। पेज का साइज जो लेना है, पहले से कुछ बने होते हैं, लीगल, लेटर, A4 जो भी लेना है यहाँ से हम ले सकते हैं। ये पेज की साइज है, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई कस्टम पेज लेना चाहते हैं वहाँ से। ये ओरिएंटेशन है, आपको कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में जैसा चाहिए आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये कॉलम कितने चाहिए आपको पेज में, 1 चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिक की जो है, बेसिकली हमें 1 या 2 चाहिए होता है। अगर मैगजीन वैगजीन में आप देखते हैं कि या तो 2 होता है कॉलम, और ये गटर होता है जो 2 कॉलम के बीच का जो स्पेस होता है वो है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे जितना लिखा हो आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ये मार्जिन होता है कि हमारे पेज के टॉप से कितना मार्जिन चाहिए और बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से कितना हमें मार्जिन देना है, ये हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप एक बार किसी में टाइप करेंगे सब में ऑटोमेटिक ले लेगा, या कस्टमाइज लॉक तोड़ के भी डाल सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है, इसको हम कुछ छेड़ते नहीं है, ओके करते हैं। तो ये हमारा मेन पेज खुल गया, इंडिजाइन का इंटरफेस जो होता है, ये इसका पेज है। बेसिकली ये मैगजीन के लिए, लंबा वर्क के लिए यूज होता है इंडिजाइन। यहाँ से दोबारा से आप डॉक्यूमेंट को प्रीसेट कर सकते हैं, फाइल मैनेजर में, फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप, दोबारा से जो पहले आप आया था उसमें आप सेट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं दोबारा से, जो आपको चाहिए पेज में, फेसिंग पे जो भी सेट करना है यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, विड्थ, हाइट चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन जो भी चेंज करना है हम यहाँ पे दोबारा प्रीसेट कर सकते हैं। बहुत सारी प्रीसेट है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर इंडिजाइन, बहुत स्मूथ चलता है। ये पेज नंबर है, यहाँ से पेज ले सकते हैं, ऊपर के मेनू बार जो हर सॉफ्टवेयर में होता है लगभग, जैसे अगर आप एडोब के और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना। और बहुत सारे की भी इसके काम करते हैं सेम, जैसे अगर जो इंडिजाइन में यूज होता है, जो फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में, सेम सेम होता है काफ़ी कुछ। यहाँ से आप पेज नंबर ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये पेज नंबर का पैनल है, ये डॉक्यूमेंट सेट में यहाँ से फेसिंग पेज हटा सकते हैं, आपको सिंगल व्यू चाहिए, डबल व्यू चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका टूल बार है नीचे साइड में जो है, ऊपर मेनू बार, ऑब्जेक्ट मैनेजर, ये इसका पैनल होगा लेफ्ट में। ये मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, मेन मेन जो टूल है, मेन ज़्यादा टूल इसका टेक्स्ट टूल का जो होता है, टेक्स्ट टूल का आप देख सकते हैं, जैसे बॉक्स बना लिया मैंने, ये सिलेक्शन टूल है। जब टेक्स्ट टूल यूज करेंगे तो इसमें 2 चीज़ होती है, एक पैराग्राफ का होता है, एक टेक्स्ट का होता है। तो ऊपर से हम यहाँ से देखो, हम चेंज कर सकते हैं बारी बारी, पैराग्राफ और टेक्स्ट, 2 इसकी प्रॉपर्टी होती है अलग अलग, जैसी जरूरत पड़ती है हमें चेंज करना पड़ता है ऊपर से। इसकी प्रॉपर्टी है सारी, अलाइनमेंट और जो स्पेसिंग, सारी डिटेल है यहाँ पे। यहाँ से हम प्रीसेट कर सकते हैं अगर कोई बढ़ाना है, घटाना है, या हाइफनेशन का हो गया, बहुत सारी चीज़ है। फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अब ऊपर टेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए, यहाँ से हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, लीडिंग, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं,